नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आप भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच आया है आप भारत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। पाकुड़ विधानसभा विधायक सह विधायक दल के नेता आलमगीर आलम को झारखंड मंत्रिमंडल। विस्तारीकरण के दौरान झारखंड ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं विशेष प्रमंडल विभाग के मंत्री बनाए जाने पर बरहरवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार की संध्या रेलवे स्टेशन चौक पर आतिशबाजी करते हुए पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत धनबाद के बलियापुर प्रखंड के आमझर पंचायत भवन के समीप मैदान में धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। आसनसोल शहर के शीतला इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बगल में स्थित एक फर्नीचर गोदाम में बुधवार शाम को लगी आग की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। चतरा जिले के ईटखोरी प्रखंड स्थित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एरकी की घटना है। वहां के कुछ बच्चों ने बादाम का फल समझकर कनेल के फल को खा लिया, जिससे वो बीमार हो गए। बोकारो के सेक्टर 4 थाना में लड़की के घर वालों ने किया जमकर हंगामा। हंगामा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए जवानों को किया तैनात। मधुबनी जिले के राजनगर थाना में हुई एक वारदात को लेकर पुलिस चौकस हो गई थी, जिसके बाद 9 कुख्यात अपराधी को अरेस्ट किया गया। मधुबनी जिले के जयनगर शहर के पास भारत नेपाल सीमा के अकोन्हा गांव के पास एक बच्चे को अचेत अवस्था में लेकर भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने शक के आधार पर पकड़ा। धनबाद के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश प्रसाद से बरवा अड्डा में लूट, मारपीट से गंभीर रूप से घायल। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल आरपी भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे Facebook पेज आरपी भारत पर भी लाइव खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।